बार फिर आपको लिए चलता हूं एलएसी, अभिषेक उपाध्याय वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए कि ये तो साफ हो गया है कि फिंगर फोर की जो हाइट्स हैं उस पर अब हिंदुस्तान की फौजें मौजूद हैं और ये बात चीन को बहुत परेशान कर रही है, इसलिए खबरें ये आ रही थी कि फिंगर फाइव से एट का जो इलाका है वहां पर जबरदस्त तैयारियां करता हुआ चीन नजर आ रहा है। क्या अपडेट आप दे सकते हैं वहां से डायरेक्ट? देखिए, फिंगर फोर की जो रिज है उस पर अभी चीन की फौज है, हमारी जो जानकारी है, लेकिन हम जिन हाइट्स पर हैं, हमने जो अपनी पोजीशन की है, हम अपनी हाइट से लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये आप ठीक कह रहे हैं, उसके पीछे जो है फिंगर फाइव से लेकर एट तक चीन ने भारी मोबिलाइजेशन किया है, ग्राउंड ट्रूप का भी मोबिलाइजेशन है और उसके पीछे की तरफ जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं उसने वो भी तैनात किए हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि ये वहां से लेकर के और साउथ के इलाके में, खासतौर पर जो स्पांगुर गैप का इलाका है वहां जानकारी है करीब 40 टैंक और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल उसने स्पांगुर गैप के पास में तैनात कर दिए हैं। अच्छा, तो अभिषेक, इन जानकारियों के साथ अगर आप तस्वीरें भी दिखा दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं सतपाल से कहूंगा आपको ये तस्वीरें दिखाएं, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और ऊपर देखिए आपको बर्फ नजर आ रही होगी, थोड़ा सा ऊपर की ओर आप देखेंगे इसी की बात का बार बार चीन इशारा कर रहा है कि अक्टूबर आएगा तो वहां टिकना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कहानी उल्टी है, हम लोग टिके हुए हैं। चीन का आलम यह है कि वो इन चोटियों पर अपने सर्विलांस और कैमरे लगा करके उसके सिपाही वहां टिक नहीं पाते हैं, इसीलिए जब ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा किया था तो हम लोगों ने सबसे पहले उखाड़ के फेंका, उनके सर्विलांस उखाड़ के फेंके, उनके कैमरे उखाड़ के फेंके। तो ये जो चोटियां हैं इसमें दो राय नहीं कि ठंड धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और तापमान माइनस की ओर जाने वाला है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। और यहाँ पर बात में और आपको बता दूं, पूरा एयर डोमिनेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है हमारे, हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, सारे के सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और एयर पावर जो है हमारी उन पर बहुत भारी है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इस वक्त जो ताज़ा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाई हैं और ये जो अपडेट दी हैं, लगातार ये सिलसिला टीवी 9 भारतवर्ष पर आगे भी जारी रहेगा और मुझे पता है अभिषेक आपको आगे के जो इलाके हैं उनके दौरे के लिए निकलना है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और टीवी 9 भारतवर्ष की टीम सबसे पहले एलएसी पर पहुंची और लद्दाख से पल पल की अपडेट लगातार देखिए, ये तीसरा हफ्ता है अभिषेक उपाध्याय वहाँ पर मौजूद हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारत वर्ष पर।